बोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती सिर्फ बोगो यूट्यूब चैनल पर। आभास क्या पढ़ रहे हो? काश ये बुक मैजिक बुक होती तो कितना मजा आता ना। मैं हर रोज इसमें नई नई स्टोरी पढ़ता। अगर तुम चाहो तो हो भी सकती है। रियली रॉ? हाँ, तो चलो ऐसी बुक बनाते हैं कि जिसे तुम हर बार खोलो तो एक नया फैंटेसी क्रीचर पाओगे। तो हम बनाते हैं एक फैंटेसी क्रीचर फ्लिप बुक। उसको बनाने के लिए चाहिए आइवरी शीट, पेंसिल, मार्कर, स्केल, राउंड टिप सेफ्टी सीजर्स, पंचिंग मशीन, स्ट्रॉन्ग थ्रेड, टिश्यू पेपर, ग्लू, स्केच पेंस या फिर ढेर सारे कलर्स। तो सबसे पहले हम एक आइवरी शीट लेंगे, फिर इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। अभी इसको कट कर लेंगे। अब हम स्केल से इसकी एज पर अबाउट 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देंगे इस बुक को बाइंड करने के लिए। तो हमारे बुक की बाइंडिंग रेडी हो गई है। अब हम पेज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इस पे अपने कैरेक्टर्स। इसमें एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ उसका हेड बनाया है, सेकंड पार्ट में हमने बनाई है उसकी बॉडी और थर्ड पार्ट में हमने बनाया उसके लेग्स। और यही हमें बुक के हर पेज पे फॉलो करना है। तो पहले जो हमने बाइंडिंग के लिए लाइन बनाई है स्कोर कर लेंगे। अब हम इसके तीनों पार्ट्स को काट लेंगे, पर सिर्फ जो हमने यहाँ लाइन बनाई थी वहीं तक। अब हम रखेंगे इसको दूसरी शीट पे। सबसे पहले लेग की मार्किंग लेते हैं और उसी तरह हेड। अब बनाते हैं हमारा दूसरा कैरेक्टर, तब तक तुम इसमें कलर करो। रेड नो। तो अब हम इसको भी कलर कर लेते हैं, क्योंकि एक फैंटेसी क्रीचर है इसलिए आप इसमें कलर के साथ बहुत खेल सकते हैं। पहले मैंने एक फायरमैन बनाया था और ये मैं बना रहा हूँ एक आइस मेडन। इसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। हो गया हमारा फायरमैन भी कंप्लीट। अब इसी तरह हम बाकी पार्ट्स को भी कट कर लेंगे। अब हम दोनों को लेके होल्स पंच करेंगे। अब हम स्ट्रॉन्ग थ्रेड लेकर इसको बांध देंगे इस तरह से। अभी तो हमने 2 पेजेस बनाए, पर आप चाहे जितने भी पेजेस बना सकते हैं अपनी बुक के लिए। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कहानी में ट्विस्ट। ये फायरमैन है ना, काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर इसकी आइस मेडिन जैसी बॉडी होती तो देखो 1 2 3 या फिर आइस मेडिन जैसे लेग्स 1 2 3 है ना फनी और काफी इंटरेस्टिंग भी। इसी तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स लेके अपनी फैंटेसी क्रीचर फ्लिप बुक बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि इसका कवर कैसे बनाते हैं। एक माउंट बोर्ड का पीस लेंगे इस तरह से और उसमें से एक पीस कट कर लेंगे। ये हो गया टॉप कवर। अब इसी साइज का हम एक बॉटम कवर भी बनाएंगे। मैंने पहले से काट के रखा है। ये हो गए तुम्हारे दोनों कवर। थोड़ा फैंटेसी फील देना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो हम इस पे विंग की शेप काटेंगे इस तरह से। मैंने एक और पहले से काट के रखा है, पर इसको चिपकाने से पहले हम अपने बेस पे थोड़ा टेक्सचर देंगे। पहले ग्लू से इसको कोट कर देंगे टिश्यू पेपर, और एक लेयर टेक्सचर देने के बाद आप इस पे विंग्स को भी चिपका सकते हैं। इसको सूखने में टाइम लगता है। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा विद द टेक्सचर एंड विंग्स, जो कि ऐसा लग रहा है कि बुक में से ही बाहर निकल के आ रहे हैं। अब इस पे आप अपना मनचाहा पेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरी बुक को कवर कर देंगे। और इस तरह से मैंने पहले से बना के रखा है, और आप साइड में भी ऐसे कार्डबोर्ड पीसेस चिपका के इसको बुक जैसा फील दे सकते हैं। तो देखना चाहोगे मेरी बुक? हाँ। फिर मैजिशियन का हेड चेंज करके देखते हैं। तो इस तरह से आप हर पेज पे एक नया कैरेक्टर बना सकते हैं और इनके कॉम्बिनेशन चेंज कर करके हर बार एक नया क्रीचर क्रिएट कर सकते हैं। तो है ना मजेदार? तो ये थी हमारी फैंटेसी क्रीचर फ्लिप बुक। फैंटेसी क्रीचर फ्लिप बुक बनाने के लिए सबसे पहले एक शीट लीजिए, फिर उस पे बाइंडिंग का मार्जिन छोड़कर उसको 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक पे बनाइए हेड, दूसरे पे बॉडी और तीसरे पे लेग्स। फिर इन तीनों पार्ट को कट कर दीजिए। हर पेज पे सेम प्रोसीजर कीजिए।
कवर बनाने के लिए दो माउंट बोर्ड के पीस लीजिए, एक 3D लुक देने के लिए उसके ऊपर कार्डबोर्ड कटआउट चिपकाइए और टेक्सचर देने के लिए ग्लू और पानी के मिक्सचर से उस पर टिश्यू पेपर चिपकाइए, फिर उसको कलर कर दीजिए और हो गई आपकी बुक तैयार। और ज्यादा फन के लिए करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, प्रेस करो बेल आइकन।